खुश आमदीद। मेरा नाम है सबीन इनाम और अपना पाकिस्तान के तावुन से बहबूद आबादी के बारे में तिब्बी और समाजी मसाइल पर सवालात के प्रोग्राम का सिलसिला लेकर हाजिर खिदमत हूँ। मर्द हो या औरत, दोनों ही एक मजबूत और खूबसूरत खानदान की बुनियाद चाहते हैं, मगर एक सेहतमंद खानदान की बुनियाद माँ की सेहत और उसकी औलाद की जिंदगी से जुड़ी होती है। पाकिस्तान में बढ़ती आबादी एक बड़ा मसला है, मगर उससे जुड़ी एक और हकीकत ये भी है कि बहुत सी माएं जचकी के दौरान अपने खालिके हकीकी से जा मिलती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं एक ऐसा खानदान जिसमें उसके अपने बच्चे अपनी माँ के वजूद से जिंदगी भर के लिए महरूम हो जाते हैं। ये मामला क्या है और ऐसे क्या अनासर हैं जो कभी कभी हमारी लापरवाही और कभी लाइल्मी की वजह से ऐसे हालात पैदा कर देते हैं? इस बारे में हमारे सवालात के जवाबात देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मधु किया है सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नौरीन जफर को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक सेहतमंद खानदान को कैसे प्लान किया जा सकता है और ये क्यों जरूरी है? अब ये तो देखें सबीन, कोई भी जो हम काम करते हैं जिंदगी में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जाहिर है उसका आप पहले एक प्रोग्राम बनाते हो। उसके लिए आपके पास लाहौर जाना है तो कितना किराया लगेगा, किस किस ने जाना है, सामान क्या रखना है, कौन सी गाड़ी पे जाना है, कितना वक्त लगेगा। तो जिंदगी में प्लानिंग तो हर जगह पे जरूरी है और ख़ास तौर पे अपने ख़ानदान या आपने जब आप अपने फैमिली की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है कि मियाँ और बीवी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि उनके क्या रिसोर्सेज हैं, उनके क्या हालात हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और वो कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ बच्चा पैदा करने की बात नहीं है, बच्चों को बाकायदा अच्छे तरीके से तरबियत देना, तालीम देना और आजकल के ज़माने में महंगाई के साथ उनकी सारी ज़रूरियात जायज़ हद तक पूरी करना, वो सब भी ज़रूरी है। और दूसरा रुख जो तस्वीर का है वो ये है कि माँ की सेहत जो है वो डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज और कितने बच्चों को उसने दूध पिलाया है, बल्कि ये कि उनका वक्फा। अब आजकल तो दुनिया में टर्म फैमिली प्लानिंग यूज़ नहीं हो रही, आजकल यूज़ हो रही है हेल्दी स्पेसिंग एंड टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जिसका मतलब बेसिकली है कि हम आपको नहीं कह रहे कि आप दो बच्चे पैदा करें या आप एक बच्चा पैदा करें या आप चार बच्चे पैदा करें। हम आपको ये कह रहे हैं कि बच्चा तब पैदा करें जब माँ की सेहत ठीक हो, पहला बच्चा कम अज़ कम इतना बड़ा हो चुका हो कि आपने उसको दूध पिलाया हो, वो इंडिपेंडेंट हो गया हो, माँ की सेहत ठीक हो, आपको पता हो कि एक बच्चा पढ़ रहा है दूसरे बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। तो माँ और बच्चे दोनों की सेहत के इंटरेस्ट में और आपके रिसोर्सेज के इंटरेस्ट में हेल्दी स्पेसिंग एंड टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी का कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी इंडिकेशंस हैं जो ये जाहिर करती हैं कि इस वक्त माँ जो है वो अगले हमल के लिए तैयार नहीं है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपने सुना होगा जो टीन एज प्रेगनेंसीज हैं या 19 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं, जब उनकी शादी होती है और वो वक्फा इस्तेमाल नहीं करती तो वो प्रेगनेंसीज बहुत रिस्की होती हैं। दूसरी बात यह है कि जनरली माँ की हेल्थ, उसका हीमोग्लोबिन, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसका घर में क्या स्टेटस है, वो काम कर रही है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई थी नहीं हुई थी, कोई ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी, नॉर्मल डिलीवरी थी, ये सब चीज़ें जो हैं ये डिक्टेट करती हैं। मगर आइडियली सबसे अच्छा ये है कि दो साल का वक्फा दें और तीसरा साल यानी जब आपका बच्चा पैदा हो तो आपके दो बच्चों में तकरीबन 3 साल 3.5 साल का वक्फा आ जाए। डॉक्टर साहब, अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज या ऐसी प्रेगनेंसीज जिसको इस वक्त जो पेरेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, उसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं? मेरा ख्याल है ये एक ऐसा दर्दनाक एरिया है कि आप किसी भी डॉक्टर से जब इस मौजू पे बात करेंगे ना तो बात फिर रुकती नहीं है। ये तार वहाँ जाके टूटती है कि हमारे यहाँ पे माओं की शरह अमवात क्या है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, जिसको हम अंग्रेजी में मैटरनल मॉर्टेलिटी कहते हैं। आपको सुन के शायद बहुत ही अजीब लगे कि हमारे पाकिस्तान में अभी भी 276 माएँ पर 100,000 डेथ्स होती हैं माओं की रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, और हमारे ये नंबर साउथ ईस्ट एशिया में तकरीबन सबसे बुरे हैं। और अगर आप अनफॉर्चुनेटली इसको मजीद डिवाइड करें पाकिस्तान में तो बलोचिस्तान में 785 पर 100,000 है, यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हर रोज़ तकरीबन 30,000 औरतें सिर्फ हमल और जचगी की किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से जान से हाथ धो बैठती हैं। यानी अगर हमारा 20 मिनट का प्रोग्राम है तो अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं एक औरत अपनी जान धो बैठी होगी। और इन नंबरों में आप अंदाज़ा करें कि 6%, जो कि मुझे यकीन है कि कम नंबर है क्योंकि बहुत सी वो औरतें जो कभी भी पहुँचती नहीं हॉस्पिटल्स में, मगर इन औरतों में से 6% औरतें वो हैं जिन्होंने अनसेफ एबॉर्शन कराई।
और ये सोचना कि जो जनरली लोग समझते हैं और हम सोचना भी चाहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे तो अबॉर्शन होती ही नहीं है और ये हमारा मसला ही नहीं है, ये बिल्कुल अब कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। इसके ऊपर अब शुक्र है अल्लाह का कि बहुत खुल के बात हो रही है। अनसेफ अबॉर्शन हमारा बहुत बड़ा मसला है। आपको पता है पाकिस्तान में तकरीबन 9 लाख अबॉर्शंस हर साल होती हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ देम आर शादीशुदा, मोर देन 3 बच्चे। तो अगर आप टोटल देखते ना नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, तो हर 4 में से 1 प्रेगनेंसी बगैर प्लानिंग की हो रही है और हर 7 में से 1 प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है सिर्फ इसलिए कि वो प्लान नहीं थी। और अनफॉर्चुनेटली अभी आज ही क्लिनिक में मैंने एक खातून से मिली हूँ जिनकी एक बच्ची 5 साल की, उसके बाद उन्होंने 3 अबॉर्शंस कराई हैं, पढ़ी लिखी खातून है। तो वो लोग अबॉर्शन को बदकिस्मती से कॉन्ट्रसेप्शन का तरीका समझते हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए कि अबॉर्शन प्रेगनेंसी से ज़्यादा ख़तरनाक है औरत की जान के लिए, और ख़ास तौर पे अनसेफ अबॉर्शन। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में 2.5 लाख औरतें एडमिट होती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ अबॉर्शन के साथ, और अनसेफ अबॉर्शन उन्होंने क्यों कराई, इसलिए कि प्रेगनेंसी उस वक्त उनको चाहिए नहीं थी। और प्रेगनेंसी क्यों चाहिए नहीं थी, इसलिए नहीं कि वो किसी माँ को शौक होता है कि वो हमल कंटिन्यू ना करे, बल्कि इसलिए कि उनके फाइनेंशियल हालात ऐसे थे, माली हालात ऐसे थे। तो अगर यही लोग जो हैं अपनी प्रेगनेंसीज को प्लान करें और स्पेस करें, तो ना सिर्फ ये कि वो बच्चों की सेहत के लिए अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप 6 बच्चे पैदा करें और 6 के 6 में से 4 बीमार रहें मुस्तकिल और 2 खुदा न खास्ता 5वीं सालगिरह तक भी ना पहुंच सकें, उससे ये बेहतर है कि आप अपनी जान का भी ध्यान करें और बच्चों को भी बेहतरीन आप तरबियत और तालीम दे सकते हैं अगर आप तब बच्चा पैदा करें जब आपको उसकी ज़रूरत और ख्वाहिश है और जब आप अफोर्ड कर सकें। तो बच्चे कितने होंगे इसका फैसला कौन करता है? मेरे ख्याल में इसका फैसला तो मियाँ बीवी को ही करना चाहिए, लेकिन कुछ आपको पता है हमारे यहाँ पे कल्चर ऐसा है, किसी हद तक गांव में अभी तक ये कल्चर है मौजूद और काफ़ी हद तक शहरों में भी है, फैमिलीज पे डिपेंड करता है कि लोग ये समझते हैं कि जितने बच्चे होंगे उतने कमाऊ हाथ होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने ये भी देखा होगा कि अगर गांव में किसी के 9 बच्चे हैं तो उन 9 में से कम अज़ कम 2 या 3 जो हैं वो 1ली सालगिरह तक नहीं पहुँचे होंगे, या वो बहुत ही नियमित होंगे या कमज़ोर होंगे या उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। ये समझना कि बच्चों को सिर्फ इसलिए पैदा कर दिया जाए कि वो 3-3, 4-4 साल के होके चाइल्ड लेबर में पड़ जाएं और माँ बाप के लिए 200, 500, 800 महीने का कमाने लग जाएं, मेरा ख्याल ये बहुत गलत सोच है। उससे ये बेहतर है कि आप उतने बच्चे पैदा करें जिनको आप कम अज़ कम इतना पढ़ा सकें कि वो मुआशरे के भी ज़िम्मेदार शहरी बन सकें और फिर बड़े होकर तालीम मुकम्मल करके अपने माँ बाप का हाथ बटा सकें। डॉक्टर साहब, आपने अपनी 3 साल की प्रैक्टिस में क्या ऐसा कभी विटनेस किया है कि मियाँ और बीवी जो हैं वो फैमिली प्लानिंग के तरीके इस्तेमाल करना चाहते हों लेकिन अपने घर वालों के डर से या सामाजिक प्रेशर्स की वजह से वो इस बात को मंजर आम पे ना लाना चाहें, या फिर वो ज़हनी तौर पे खुद कंफ्यूज्ड हों कि क्या उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत दफ़ा होता है सबीन, और असल में बात यह है कि लोग जो हैं वो अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देना चाहते हैं। 30 और 45 के बीच में जो खवातीन है 52% ऑफ देम 3 बच्चों वाली औरतें आर श्योर कि उनको और बच्चा नहीं चाहिए, वो कहती हैं कि हमारी फैमिली कंप्लीटेड है। ठीक है कि जहाँ पे सिर्फ बच्चियाँ होती हैं वहाँ पे औरतों पे हमारे माशरे में बदकिस्मती से अभी भी ये प्रेशर है कि जिन्हें लड़का ज़रूर पैदा होना चाहिए चाहे 6 के बाद ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी 52% औरतें ये समझती हैं कि अब हमें और बच्चा नहीं चाहिए। मगर ट्रेजिडी ये है कि कुछ सोशल कंपोनेंट है, कुछ घरों का कंपोनेंट है, ससुराल का, ख़ास तौर पे सास का जो एक हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस तरह से हो गया है मसला कि वो सिर्फ रोड़े अटकाने के लिए हैं। हालांकि मेरा ख्याल है अगर उनको भी समझाया जाए, उनको बिठा के बात बताई जाए कि फैमिली प्लानिंग एक तो ये कि कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल भी गुनाह नहीं है, आप अपने मज़हब अपने सेक्ट के मुताबिक फैमिली प्लानिंग में इतनी चॉइसेस अवेलेबल हैं कि आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप वक्फा भी कर सकते हैं, लिमिट भी कर सकते हैं और थोड़ी देर के लिए स्पेस भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि फलानी वैक्सीन या फलाना नमक या आयोडीन मिला नमक या फलानी पोलियो की वैक्सीन लग गई है जो कि लोगों को लगाई जा रही है और उसके बारे में मशहूर हो जाता है कि जी इसमें तो लोगों की फर्टिलिटी जो है वो असर होती है और इस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, इस बारे में कितनी हकीकत है? नहीं देखिए, आयोडीन नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली बात यह है कि आयोडीन वाला नमक किसको चाहिए।
आयोडीन वाला नमक उनको चाहिए जो हमारे यहाँ बेल्ट्स हैं, आप देखिए ना इधर बल्तिस्तान और इस तरफ जाके तो बकायदा इतने इतने बड़े गले आपको थायराइड जो है वो नज़र आते हैं, मगर जो ऐड किया जाता है आयोडीन सॉल्ट में या कई जगह पे आटे में वो इस हद तक नहीं है कि वो ओवरडोज कर दे, वो आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट तो पूरी कर सकता, आपको ओवरडोज नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब इस बारे में जरा वाजे कीजिएगा कि जब बच्ची की या बच्चे की शादी होने वाली होती है तो हम उसके जहेज, उसका उसके कपड़े, उसका फर्नीचर, उसकी हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चते हैं, लेकिन उसकी जो आने वाली आइंदा इज़दवाजी जिंदगी है उसके बारे में नो हाउ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में राइट चॉइसेस, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। और हमारे यहाँ कुछ कल्चर भी इसी किस्म का है कि ना माएँ इस बारे में बात करती हैं, ना बेटों से उनके बाप इस बारे में बात करते हैं। जब ऐसे बच्चे बच्चियों की शादी होती है तो शादी के बाद वो किन ज़हनी उलझनों का शिकार होते हैं? आई थिंक दिस इज मेरा इंतहाई एक जो पेट पसंदीदा सवाल होता है ना उसमें से ये सवाल है, क्योंकि ये रिलेट करता है नौजवान बच्चियों के गायनी प्रॉब्लम से। और उस बच्ची ने 6 महीने से खाना छोड़ा होता है, यानी वो सिर्फ खीरे और कहवे पे ज़िंदा होती है, टोटल इम्यूनिटी अपनी वो ख़त्म कर लेती है, खाने के पतला नज़र आने के शौक में, खाना पीना सब, आंखों के नीचे हल्के, तबीयत ख़राब, पीरियड्स ख़राब, और एन शादी की डेट जो है उसके ऊपर पीरियड्स की डेट होती है, यानी आपने सब कुछ किया मगर आपने ये नहीं सोचा कि जिस जिंदगी के प्रैक्टिकल हिस्से में वो कदम रख रही है उससे रिलेटेड भी आप उसको फैसिलिटेट करें। फिर इंटरनेट है, ड्रामे हैं, फिल्में हैं, हर तरह की अनक्लासिफाइड गलत और बुरे तरीके की इन्फॉर्मेशन उन बच्चियों तक पहुंच रही होती है, मगर ये कल्चर अब खैर थोड़ा सा बदल गया है, मगर फिर भी मेजॉरिटी घरों में माएँ बात नहीं करती बच्चों से कि आपको अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखना चाहिए। इवन कुछ इंजेक्शन हैं जो बच्चियों को शादी से पहले लगवा लेने चाहिए, कुछ टेस्ट हैं जो करवा लेने चाहिए, और वो और उससे रिलेटेड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कल को जब वो बच्ची अपने ससुराल जाएगी तो उनका प्रेगनेंसी के बारे में क्या प्लान है। प्रेगनेंसी इज़ अ नेचुरल आउटकम शादी का, इसमें कोई घबराने की, शर्माने की, झिझकने की बात नहीं है। अगर वो माँ खुद बात नहीं कर सकती तो किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, अपने फैमिली फिजिशियन के पास, किसी के पास उस बच्ची को ले जाएं। और अगर वो बच्चा और बच्ची एक दूसरे को नहीं भी जानते शादी के बाद, वो आपस में कोई अक्लमंदी के नतीजे पे पहुंच सकते हैं। अगर वो दोनों ही बिल्कुल ही मतलब है कि पढ़े लिखे हैं, किसी ने कुछ नहीं बताया हुआ, और गलत इन्फॉर्मेशन, खासतौर पे दोस्तों की दी इन्फॉर्मेशन तो हमेशा गलत होती है। उस बच्ची के जहन में कुछ ना कुछ एक प्लान होना चाहिए कि जितना भी टाइम वो चाहते हैं, 3 महीने, 6 महीने, साल, पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही, बाहर जाना है, जो भी उनके हालात हैं उसके मुताबिक अनप्लैंड प्रेगनेंसी में गिरफ्तार ना हो, जब भी प्रेगनेंसी हो प्लैंड हो और वॉन्टेड हो। डॉक्टर साहब बेहतरीन वक्त क्या है किसी बच्चे और बच्ची या किसी लड़के और लड़की या किसी मर्द और औरत को इस बात के बारे में आगाह करने का कि शादी के बाद जो उस पर जिम्मेदारियाँ पड़ने वाली हैं उसके बारे में, उसकी चॉइसेस क्या होनी चाहिए और उसको किस तरह से अमल करना चाहिए? ख़ास तौर पे जब हम मज़हब के हवाले से बात करते हैं तो हम किन को देखते हैं? हम सऊदी अरेबिया को देखते हैं या हम ईरान को देखते हैं? अब उन मुल्कों ने अपनी हेल्थ एजुकेशन को इस्लाम के दायरे में रहते हुए यहाँ तक मॉडर्नाइज किया है कि जैसे आपको पता है कि ईरान में निकाह से पहले ज़रूरी है कि दे हैव टू नो, सऊदी अरेबिया में दे हैव टू हैव द ब्लड टेस्ट, अदरवाइज निकाह नहीं होता। तो एक ऑप्शन तो ये है कि गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करे, तो फिर जितने निकाह खां हैं उन सबको पता हो कि भाई जिसने निकाह पढ़ना है उससे पहले ये प्रीरिक्विजिट मैंने देखने हैं। या सबसे आसान तरीका मेरी नज़र में ये है कि सब माओं को ये पता हो कि जब बच्ची के दिन रखने की बारी आ गई, शादी तय हो गई, आप कार्डों तक पहुंच गए, तो आप बच्ची को बिठा के सारी बात करें। और अगर आप कम्फर्टेबल हैं, आप उस जेनरेशन से हैं कि आप कम्फर्टेबल नहीं हैं, तो फिर आई एम श्योर कहीं ना कहीं कोई लेडी डॉक्टर होगी, फैमिली फिजिशियन होगी, गायनेकोलॉजिस्ट होगी, उसके पास उस बच्ची को ले जाएं। इसी तरह बच्चे को जो है वालिद ले जाएं, जनरल अपने जो कोई जनरल फिजिशियन है उनके पास, उनसे सारी डिटेल में बात कर लें। मगर ये इसको छोड़ देना कि जब हो जाएगी शादी फिर से, देखें कागज़ पे साइन करने से या एक गाड़ी में बैठ के दूसरे घर चले जाने से उस बच्ची की नॉलेज में या उसकी प्रैक्टिकल जो सेंस है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना। सो इट इज़ बेटर फॉर हर टू गो इन प्रिपेयर्ड। किसी इम्तहान में कभी हम जाते हैं तैयारी किए बगैर, कागज़ पेंसिल पेपर पर्चा लेके ही जाते हैं ना आखिर, और अगर आप नहीं बताएंगे तो वो किसी गलत सोर्स से सीखेगी और गलत सीखेगी, और हो सकता है कि वो मिसकंसेप्शन जो हैं बाज कपल्स के लिए वो बहुत बड़े मसले भी बन जाते हैं, साल हा साल लोग इसमें गिरफ्तार रहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सामिन हमारी गुफ्तगू अभी जारी है, कल इसी सिलसिले का अगला प्रोग्राम आप इसी वक्त समाप्त फरमाएंगे। अपना पाकिस्तान के तावुन से ये प्रोग्राम हमने आपकी खिदमत में पेश किया। इन प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग को ऑनलाइन सुनने के लिए हमारी वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लीजिए,
www.radiozavia.com। हमारे फेसबुक पेज पे अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बान कह कीजिएगा। इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बान कह कीजिएगा। इजाजत